आखिर क्या है इस फिल्म ब्रह्मास्त्र का ओनली रिलायबल फैक्टर? कैसे इस फैक्टर की वजह से फिल्म के लिए और ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र की कास्टिंग के ऊपर बस एक नजर डाल लीजिए। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और तो और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। साथ ही साथ सपोर्टिंग कास्ट में है टीवी स्टार मौनी रॉय, भी इस फिल्म में शामिल हो चुकी है, और साउथ सुपरस्टार नागार्जुन भी तो है। एक साथ सबको अगर एक फिल्म में मिला दें तो ऑल टुगेदर कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। फिल्म के एंड क्रेडिट्स, सब बड़े बड़े नाम मगर एक एक करके सबको फिल्म ने अकेला छोड़ दे, तो यानी कि दोस्तों, रणबीर कपूर जो इस जनरेशन के फाइनेस्ट एक्टर कहलाए जा सकते हैं, उनकी फिल्म्स कुछ कमर्शियल, कुछ एक्सपेरिमेंटल और कुछ ऑफ बीट रही हैं, लेकिन कितनी फिल्म्स रिलायबल है या गारंटीड सक्सेस रही हैं ये नहीं पता। कमर्शियल स्पेस में बेशरम, एक्सपेरिमेंटल में जग्गा जासूस, इसी की वजह से ऑडियंस उन्हें भी फिल्म के अच्छे होने का सोल फैक्टर कभी नहीं मान सकते। फिर महानायक अमिताभ बच्चन अपने जमाने के ओनली एक्टर हैं जो आज भी एक्टिव ही नहीं बल्कि लीड रोल्स में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने पीकू, पिंक और गुलाबो सिताबो जैसी फिल्म का हिस्सा होने के साथ साथ कुछ और फिल्में भी की हैं, जैसे वजीर 3 और सैरा नरसिम्हा रेड्डी, जो इतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई। फिर नागार्जुन और मौनी रॉय भी हिंदी फिल्म ऑडियंस के लिए अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद फिल्म के लिए सेलिंग पॉइंट नहीं बन सकते हैं। तो इससे फिल्म का सेलिंग पॉइंट कौन बनता है? ऑफ कोर्स, यहाँ पे 3 बड़े स्टार्स हिंदी फिल्म्स के एक साथ हैं, लेकिन वो लोग जो कंटेंट की तलाश करते हैं उनके लिए सेलिंग पॉइंट कौन बनेगा? फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, अयान मुखर्जी धर्मा प्रोडक्शन के उन डायरेक्टर्स में से एक हैं जिनकी मोस्टली फिल्मों के साथ ऑडियंस ने रिलेट किया है। उनकी पहली फिल्म वेकअप से लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। फिल्म के गाने खासकर एक तारा लोगों को आज तक याद है और इंस्टा में अक्सर कई एडिट्स में देखते होंगे। हर जनरेशन के लिए एक फिल्म होती है जिसके साथ उनकी कई यादें जुड़ी होती हैं। 70s के बच्चों के लिए थी शोले और खून भरी मांग, 80s के बच्चों के लिए थी हिम्मत वाला, मिस्टर इंडिया और नगीना, 90s के बच्चों के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम आपके हैं कौन, और 2000s के बच्चे बहुत लकी हैं क्योंकि हमारे टाइम में फिल्में बहुत बेहतर होने लगी, जैसे देवदास, 3 इडियट्स, लगान, दिल चाहता है। लेकिन एक फिल्म जो सबको बड़ा होने के बाद अपने दोस्तों के साथ यादें बनाने के लिए इंस्पायर करती है और अपनी जिंदगी को अपनी तरह जीने को सिखाती है, वो थी ये जवानी है दीवानी, और इसके डायरेक्टर भी तो अयान मुखर्जी ही थे। अब दोस्तों, आप किसी भी मिलेनियल और जेन जी किड से पूछिए, उसने ये फिल्म कम से कम 5 बार तो देखी ही होगी। तो दोस्तों, इससे बनता है ना अयान फिल्म लवर्स के लिए इस फिल्म का सेलिंग पॉइंट। वैसे आपके हिसाब से वेकअप सेट बेहतर है या फिर ये जवानी है दीवानी? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारे आज के राइटर हैं साई श्रेष्ठ दास।